महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रहने वाली 5 साल की नियारा जैन ने चीनी और फ्रेंच भाषा में सबसे तेज 50 आइटम सुनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा है। चीनी और फ्रेंच भाषा में कई सवालों का जवाब नियारा जैन फटाफट देती है। चीनी और फ्रेंच भाषा में खुद का परिचय भी बेहद लुभावने अंदाज में देते हुए नियारा बड़े ही बेबाक तरीके से दोनों विदेशी भाषा में बात करती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम, 1 से लेकर 100 तक की गिनती, रंगों की पहचान और नाम, जानवरों के नाम, सप्ताह के दिन और भी कई बातें नियारा चीनी और फ्रेंच भाषा में बड़े ही आसानी से बोलती है। इस उम्र में बच्चे अपनी स्कूली पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाते, वही नियारा स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान और विदेशी भाषाओं में भी महारत हासिल कर चुकी है। नियारा की मां साक्षी जैन ने बताया कि नियारा को मोबाइल और टीवी से दूर रखा गया था। दिन में करीब आधा घंटा ही मोबाइल दिया जाता है और 1.5 साल की उम्र से ही पढ़ाई के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। 2.5 साल की उम्र में नियारा ने सभी देशों की राजधानी के नाम बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। इसके अलावा भी उसे ग्लोबल किड्स अचीवर अवार्ड, ब्रेवो इंटरनेशनल अवार्ड समेत और भी कई अवार्ड मिले हैं। 5 साल की नन्ही उम्र में नियारा ने दर्जन अवार्ड अपने टैलेंट के बलबूते पर हासिल किए हैं। नियारा की पढ़ाई के प्रति रुचि देखते हुए माता पिता साक्षी और वैभव ने भी नियारा को प्रोत्साहन दिया और पढ़ाई के साथ साथ सामान्य ज्ञान और विदेशी भाषाएं सिखानी शुरू कर दी। नियारा ने फ्रेंच में 6 लेवल कम्प्लीट किए हैं और चीनी भाषा भी सीखी है। उसने चीनी और फ्रेंच भाषाओं में सबसे तेज 50 आइटम बताकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। नियारा पढ़ाई के अलावा चेस, योगा और डांस में भी रुचि रखती है। महज 5 साल की उम्र में दर्जनों किताब जीतकर नियारा ने अपने माता पिता का ही नहीं तो पूरे देश और चंद्रपुर का भी नाम रोशन किया है। फिलहाल नियारा के इस कामयाबी की चर्चा सभी तरफ हो रही है। हेलो, माय नेम इज नियारा जैन। टुडे आई विल टॉकिंग 2 languages ऑफ फॉरेन। कैन यू टेल योर इंट्रोडक्शन इन फ्रेंच एंड इन चाइनीज? Bonjour, je m'appelle Niara. Ma mère s'appelle Sakshi. Mon père s'appelle Vaibhav. J'habite à Chandrapur. J'ai 5 ans. J'aime les glaces. Je n'aime pas les. What is the meaning of last line you said? Je n'aime pas les means I don't like milk. Can you tell your introduction in Chinese now? Of course, I can tell. Ni hao. Wo jiao ni ara, wo mama jiao Sakshi, wo papa jiao Vaibhav. Wo wu shui. Wo shi huan. Tu wo wu shi huan go. What is the meaning of wo wu shui? Wo wu shui means I'm 5 years old. Okay, Niara. Now color time. I'll ask you some colors. I like colors. So you say the color name in French and in Chinese, okay? Pink. Rose. Fansa. Okay, rose is in? French. And Fansa in? Chinese. Okay, red. Loose and Hongsa. Okay, very nice. Now, can you recite the rhyme Twinkle Twinkle Little Star in French and in Chinese? Of course, I can tell. In French. Brio, brio, petit pois, je m'en mon petit you. All this you do, mon CEO, comme DM OCL. Very good. Can you tell now in Chinese? Yes, I can of course tell. Yishai, yishai, long zing zing. Mantian doshi zao zing zing, guazi teshai fang guang ming, hao xing shed dua zhao wan zing, li shai long zing zing, mantian doshi zao zing zing. Super. Ask you some animals. You have to tell their name in French and in Chinese. Of course, I can tell. नियारा की तैयारी हमने बहुत अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट कर दी थी जब वो काफ़ी छोटी थी, मतलब 1.5 ईयर्स की, और उसी वजह से जब वो 2.5 ईयर्स की थी, 2.5 साल की थी, तो उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना रिकॉर्ड बनाया क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ के कैपिटल बताती थी।
और उसकी वजह से उसको ग्लोबल किड्स अचीवर अवार्ड, ब्रावो इंटरनेशनल अवार्ड, चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। फिर वो होने के बाद मैंने इसके लैंग्वेजेस पे ध्यान दिया कि फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच, फ्रेंच में उसने 6 लेवल्स कंप्लीट किए और फिर चाइनीज़ भी हमने स्टार्ट किया। फिर ऐसा लगा कि एक नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमने उसको 50 आइटम्स जो हैं वो सिखाए साइड बाय साइड इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन फ्रेंच एंड इन चाइनीज़। तो उसने वो भी काफ़ी अच्छे से करा और उसकी वजह से अभी उसका वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रिकॉर्ड बना है। एंड लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने से जो होता है ब्रेन काफ़ी डेवलप होता है, मेमोरी एनहांस होती है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू था, वही मेरा मोटिव था कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो। इसके अलावा चेस करती है, डांस, योगा, काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ में भी हम इन्वॉल्व रखते हैं बिकॉज मैं उसको बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ। अब जैसे बड़ी हो गई है, मांगती भी है तो सिर्फ 10 to 15 minutes या हाफ एन आवर ही उसका स्क्रीन टाइम होता है। और बाकी उसका खुद का मन ही काफ़ी ये है कि वो सारा दिन राइटिंग में और अपने ही डेवलपमेंट पे, पढ़ाई पे ही ध्यान देती है। बीसीएन न्यूज़ के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़ी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।